नमस्कार, टेक्सचर सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। कपड़ा बाजार में आए दिन ठगी के मामले सामने आते हैं। पुराना पेमेंट के भुगतान से बचने के लिए व्यापारी पुलिस कंट्रोल को फोन करके वीवर को दबाने की प्रवृत्ति अभी तक करते आ रहे हैं। वह अब बंद हो जाएगा क्योंकि पुलिस अब सबसे पहले वीवर का बयान लेगी। सिल्क और डायमंड के बाद रेडीमेड गारमेंट और इसके फैब्रिक्स के लिए सूरत अन्य देशों के लिए नया ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बना है। लेडीज जेंट्स गारमेंट कपड़े की दुबई, यूएसए और बांग्लादेश सहित इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। गुजरात वायु प्रदूषण के खिलाफ उचित कदम उठाने की मांग के साथ जनहित में की गई रेट में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हलफनामा द्वारा जवाब पेश किया था, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा जोखिमी तौर पर प्रदूषित शहर है। नवंबर में इकाइयां बंद करने को लेकर अनिश्चितता, कच्चे माल और कोयले के दामों में बढ़ोतरी के कारण प्रोसेसर्स ने जॉब चार्ज बढ़ा दिया है। वहीं पिछले डेढ़ माह में डाइंग यूनिटों में व्यापारी वर्ग की खरीदारी से भारी मात्रा में ग्रे जमा हो गया है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ना शुरू हो गई है। आपदा से उभरा बाजार अब रफ्तार पकड़ने लगा है। साड़ी, लहंगा, कपड़ा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, सराफा, बर्तन समेत सभी बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से कारोबारी उत्साहित है। एयर इंडिया को 1953 में सरकार ने हस्तगत किया और 1960 के दशक में एयर होस्टेस का ड्रेस कोड बदल गया। ड्रेस कोड में भारतीय परंपरागत साड़ी शामिल हो गई। इसके अलावा चूड़ीदार और घाघरा चोली को ड्रेस कोड में शामिल किया गया। रेशमी शहर में बुनकरों का कारोबार त्योहार को लेकर एक कदम ही बढ़ा था कि इस उत्साह पर धागा व्यवसायियों की नजर लग गई। देश भर के बाजार से इस बार भागलपुर से 150 करोड़ की साड़ियों की मांग की गई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल त्योहारी सीजन मायूसी वाला था, मगर इस बार कोरोना की पाबंदियां नहीं है। यही वजह है कि व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। नवरात्र से पहले ही बड़ौत बाजार में उमड़ी भीड़ से साफ हो गया है। दशहरदन गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा शुक्रवार को शाम 4:30 बजे समृद्धि भवन नानपुरा सूरत में इन्वेस्टर एटीट्यूड अल्टीट्यूड 60,000 सेंसेक्स लेवल पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। रिंग रोड रेशम वाला टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी से नायलॉन और पॉलिएस्टर ग्रे कपड़ा माल खरीदने के बाद पेमेंट नहीं चुकाकर मांगने पर जान से मारने की धमकी देने वाले 5 व्यापारी और दलाल के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आज के सुपरफास्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।